ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू टोरा सर्वाइवल। तो गाइज यार, लास्ट एपिसोड में तुम लोग को याद होगा कि भाई अपने को यहाँ पर मस्टैंग मिल चुकी थी, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट गाड़ी। एंड गाइज यार, पता है ऑफलाइन में मैंने इस गेम को काफ़ी ज़्यादा खेला, ठीक है। मैं काफ़ी सारी जगहों पर गया, इसमें एक्सप्लोर करके आया, वहाँ पर काफ़ी सारे एनमीज़ को भी मैंने मारा, लाइक जोम्बीज वगैरह को मारा। और मैंने ना काफ़ी सारे जो कैंप जो सर्वाइवल कैंप्स है ना, जैसे बंकर हो गया यहाँ पर, मैं इन जगहों पर ना भाई एनमीज़ को मार के आया था, ठीक है। लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ पर तुम कितने भी एनमीज़ मार रहे हो, लेकिन जब तुम गेम रीस्टार्ट करते हो ना, तो सारे के सारे एनमीज़ वापस आ जाते हैं भाई, ठीक है। तो मेरे को भाई इसका कोई लॉजिक नहीं समझ आया कि भाई मैं अगर इतना कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूँ एंड उसका क्या फ़ायदा हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो मे बी आज जो है मैं तुम लोग को सारी सारी लोकेशन दिखाने वाला हूँ इस गेम की, ठीक है। एंड इस गेम का ये फाइनल एपिसोड हमारा हो सकता है, तो अपन सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पर जो है अभी सबसे पहले अपन हमारी गाड़ी को मैक्स अपग्रेड करेंगे, ठीक है। और बाकी तुम लोगों को यहाँ पे दिखा इन्वेंटरी में, तो भाई पैसा वैसे देखो मेरे पास कितने सारे पैसे हो चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि भाई सब कुछ सेल करते जा रहा हूँ। और मेरे को ना यहाँ पे एक नई गन मिली थी, कहाँ चली गई ये देखो, एक ये गन मिली थी मेरे को भाई, सब काफ़ी बढ़िया गन है ये, देख रहे हो। एंड मेरे को जो है यहाँ पे भाई अभी थोड़ा बहुत रिसोर्सेज जो है मेरे पास आ चुका है, तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। अपन आई थिंक अभी शायद से गन भी बना सकते हैं, मे बी एक बार जाके चेक कर लेता हूँ। ये रही हमारी आर्मरी, लास्ट एपिसोड में अपन ने सब कुछ अनलॉक कर लिया था। तो यहाँ अगर जाके देखे तो भाई अपन यहाँ पर ना ये वाली राइफल में बनाने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें सही है, तो ये रिसोर्सेज मेरे पास अभी भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये तो मिलता जाता रहेगा इधर उधर जाएंगे जब, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है इसको अपन अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है भाई अपग्रेड करने का अभी तो। एंड यहाँ पे देखोगे तो इसको मैंने आई थिंक लेवल 2 कर दिया था लास्ट एपिसोड में। एंड यहाँ पर मैंने एक चेस्ट बनाई जिसके अंदर मैंने भाई सारा सारा सामान रख दिया, जो भी लाइक एक्स्ट्रा सामान पड़ा रहता है मैंने खरीद के लेकर आया था। ये सारे सारे स्क्रैप मेटल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक पार्ट भी मैंने खरीदे थे। बाकी 6x स्कोप वगैरह मेरे को मिल चुके थे, तो मैंने इनको सेल नहीं करा, सोचा कि स्नाइपर जब अपन बनाएंगे उसमें यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं, अगर आज स्नाइपर बना पाए तो ठीक है, नहीं बना पाए तो जब मन करेगा इस गेम को खेलने का दोबारा, तब अपन इसको वापस खेलेंगे। बाकी जो है यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ऑफलाइन में जो है यहाँ पे 2 गाड़ियाँ लेकर आया था भाई, काफ़ी बढ़िया गाड़ियाँ हैं। एंड चलो अभी जो है मेन गाड़ी में बैठते हैं और इसको अपग्रेड करते हैं अपन, ठीक है। ये देख रहे हो भाई, ये तो एकदम मक्खन भागती है भाई। तो चलो सबसे पहले यहाँ चलते हैं। एंड कलर अपन ने कर दिया था लेवल 3 का आर्मर करते हैं, ठीक है। लेवल 1 का कुछ ऐसा है, लेवल 2 पर ऐसा है, लेवल 3 पर ऐसा है, ठीक है। चलो भाई अभी, क्योंकि भाई इसको खतरनाक वाले पर लड़ाई करने वाले इधर उधर जा जाके। लेवल 1 का इंजन में जो टॉप स्पीड थोड़ी सी है भाई, ओ माय गॉड गाइस, अभी ये गाड़ी और भी ज़्यादा तेज़ भागने वाली है, ठीक है। फ्रंट बम्पर वगैरह देखे तो ये है, फिर ये है, फिर ये है, आई थिंक यही ज़्यादा बढ़िया है जो महंगी वाली है। आई थिंक हुड में देखा जाए तो आई थिंक नाइस, काफ़ी प्यारा लग रहा है भाई गाड़ी, ठीक है। अभी देखते जाओ तुम बस। अरे जी, सब कुछ 100 डॉलर के हैं बे, तो अपन लास्ट वाला लगाने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ स्पॉइलर में चलते हैं। स्पॉइलर में अगर अपन जाए तो भाई साहब पूरी एकदम स्पोर्ट्स गाड़ी बना दी इसको अपने इधर। सस्पेंशन अपन डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। रोड ऑफ रोड, ठीक है। इसको मैं हाइट वाइट भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर, इसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ जो सी अभी है। उसके बाद व्हील्स में चलते हैं। व्हील्स ओके, इनका वैसे 1 सेकंड, अच्छा इनका मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ भाई साहब, काफ़ी बढ़िया सीन है भाई इसका तो। लेकिन आई थिंक ऑफ रोड और स्लिम टायर जो नॉर्मल है वही रहने देते हैं। रिम में चलते हैं। रिम यहाँ पे काफ़ी सारी दी हुई है अलग अलग तरह की। यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स गाड़ी जैसा कुछ बढ़िया से ढूंढते देते हैं, रुक जाओ जरा। ये काफ़ी बढ़िया, ओ भाई साहब काफ़ी क्रेजी लग रहा है, लेकिन व्हाइट कलर का देखते हैं। ओ भाई का मस्त लग रहा है वे, ये देखो गाइस अभी अपनी गाड़ी 1 नंबर की लग रही है, चलो ये खरीद लेते हैं। भाई साहब क्या ही लग रही है अपनी गाड़ी गाइस अभी, ठीक है। रुक जाओ, काम करते हैं जरा, कलर में चलते हैं, रिम कलर में चलते हैं। एंड आई थिंक इनको चेंज तो कर ही सकते हैं अपन, सो ये हो, लेट्स गो। आई थिंक व्हाइट में ठीक है, या फिर इसको रुक जाओ कलर ड्राई करते हैं कुछ अलग सा, येलोइश कर सकता हूँ मैं, थोड़ा सा गोल्डिश टाइप में। नाइस, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मेटालिक स्मूथनेस, कुछ फ़र्क तो पड़ता है नहीं इससे वैसे ये, बट ठीक है चलो ये लगा दिया कलर भी। एंड लेट्स गो बॉयज। अभी अगर तुम देखोगे तो भाई गाड़ी, ओ भाई पागल हो गई ये गाड़ी, कसम से पागल हो गई है भाई गाड़ी, रुको जरा। लेकिन यार आर्मर लगाने का फ़ायदा क्या हुआ भाई मेरा, ये देख रहे हो तुम, अगर ठुक रही है तो भाई ये डैमेज खा रही है फिर भी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ भाई। हेलो ओके, ठीक है भाई, इट्स ओके, बट मेरे को इसकी मैक्स स्पीड चेक करनी है ज़रा। 110 तक जाती थी पहले, ओके आई थिंक उतनी जा रही है, तो फ़ायदा क्या हुआ भाई मेरे नई नई चीज़ें लगाने का इसके अंदर। ओके नेवर माइंड, पहले ज़रा अपनी गाड़ी को रिपेयर करेंगे अपन। सो यहाँ पे इसको पहले मैं रोक देता हूँ, आराम से ठहर जा भाई, मेरे पास कार रिपेयर किट नहीं है, इसमें से निकाल लेते हैं भाई, मेरे को बहुत सामान मिल चुका है। 1 सेकंड, यहाँ पे 3 क्यों दिखा रहा है, मेरे पास बहुत सारे रखी हुई थी वे। चलो कोई बात नहीं, इसको पूरा एकदम मैक्स रिपेयर करके फिर लेके चलेंगे अपन, ठीक है। मैं तुम लोग को भाई इसीलिए मैक्स अपनी जो फास्टेस्ट गाड़ी में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि भाई अपन जल्दी जल्दी एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे हर जगह पे, ठीक है। सारे सारे कैंप्स का पता लगा पाएंगे अपन। और जो है आई थिंक, अरे हाँ रुको रुको, इसकी डिक्की में रखी हुई है भाई, वही मैं सोचूँ यार मैंने रखा तो था, कहाँ चला गया।
चलो अभी जो है यहाँ पे सारा खाना पीना, एक सेकंड रुको, खाना पानी सब कुछ तैयार है ना मेरे पास? ठीक है, खाना वाना सब कुछ रखा हुआ है, तो लेट्स गो बॉयज। एंड एक काम करता हूँ, थोड़ा सा खाना और रख लेता हूँ अपने पास, ठीक है, क्योंकि खाने की अपने को नीड पड़ सकती है वहाँ पे। सो अपन सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे, भाई इन लोगों ने बहुत सारा मीट इकट्ठा करा हुआ है, ये देख रहे हो बहुत सारा रख दिया है भाई। तो यहाँ से अपन इसको इसमें कुक करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ चल के इसको मैक्स कर देंगे, तो ये हमारे लिए एक ही बार में क्राफ्ट कर देगा, ठीक है, वेरी नाइस। एंड अभी मेरे पास एमो वगैरह सब कुछ पड़ी हुई है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस अपने को भी। एंड यस, अभी अपन सबसे पहले जाएंगे, देखो अभी देखो यहाँ पे ना मैंने ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है जगह पे, आई डोंट नो इस गेम का बग है कि क्या है ये। तो अपन ऑलरेडी जो है यहाँ पे कुछ चीज़ों पे जा रखे हैं, कुछ जगहों पे जा रखे हैं, तो अपन इस फार्म पे गए नहीं अभी तक, एक बार फार्म पे वगैरह आते हैं, उसके बाद अपन पूरा घूम कर आएंगे, ठीक है। तो ये पड़ेगा भाई 2300 मीटर दूर, एंड अपने को सीधा जाना है इसके लिए, पर अपनी गाड़ी इतनी फास्ट है भाई कि यो पहुँचा देगी भाई वहाँ पे, ठीक है। तो अपन देख कर आते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, और ना मैं तुम लोग अरे हाँ एक सौ रुको जरा वो सब भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़े बहुत लेवल अप के पॉइंट्स लगा देते हैं जरा अपन। तो यहाँ पे मैंने वैसे ऑलरेडी काफ़ी सारे लगा दिए हैं, असोल्ट राइफल का डैमेज बढ़ेगा इससे, लेकिन एआर में यूज़ कर नहीं रहा हूँ वैसे, बट काम करता हूँ क्रिटिकल चांस। और ये क्या चीज़ है, 20% डैमेज इफ HP अबव 90%, ओ नाइस। एंड ये है विद फुल मैगजीन, ओके। तो मेरे पास अभी आई थिंक 3 पॉइंट और बचे हुए हैं, ठीक है, 20% डैमेज, ठीक है भाई। ये काफ़ी बढ़िया बढ़िया अपग्रेड्स लग रहे हैं इसके वैसे, इसमें 20+ आर्मर है, 20+ स्टेमिना है, ठीक है। इसमें क्या क्या है भाई, इसमें लास्ट बचा हुआ है एक मोर रिसोर्सेज आफ्टर डिसेंबलिंग आइटम, डिसेंबलिंग तो अभी मैं कर नहीं रहा किसी आइटम्स की। स्टेल्थ अनलॉक कर सकता हूँ, यहाँ पर 2 पॉइंट लगेंगे, लेकिन चलो ये अनलॉक कर लेते हैं। एक और पॉइंट बचा है भाई, ये क्या है, रेडिएशन रेजिस्टेंस, लाइफ स्टील ऑन किल, ओके। एंड ये क्या है, लाइफ स्टील ऑन डैमेज, ओके, आई थिंक हेल्थ बढ़ेगी इससे मेरी, ओके दैट्स रियली नाइस। चलो गाइस पूरा मैक्स कर दिया, लेकिन उसी के साथ एक बार रुक जाओ ज़रा, यहाँ भी पॉइंट लगा लेता हूँ मैं, टोटल हेल्थ बढ़ा लेता हूँ अपनी, और एजिलिटी बढ़ा लेता हूँ, और इंटेलिजेंस की आई थिंक अभी ज़रूरत नहीं है मेरे को, मे भी ट्रेडिंग क्राफ्टिंग में जल्दी जल्दी काम करवाता है बस, ये उसी काम की आती है, बाकी ड्यूरेबिलिटी में आप इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। चलो भाई सब कर लिया है, बाय द वे अपन ये बगल में आ रखे हैं, कुछ सामान तो है नहीं मेरे को सेल करने का, ओपन सीधा निकलते हैं भाई अभी यहाँ पे, ठीक है। और मैंने ये वाला पेट्रोल पंप फायर डिपार्टमेंट भी मैंने पूरा क्लियर कर दिया था भाई, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो वापस ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, तो भाई क्या फ़ायदा है मेरे इनको क्लियर करने का भाई, बस सर्वाइव करते रहो, ये क्या मजाक है भाई। ये देखो गाइस डेजर्ट एरिया में बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं भाई, से उसको टक्कर लगी गलती से। ऑलराइट लेट्स गो बॉयज, अभी अपन जाने वाले हैं, मैं काम करता हूँ। ये देखो डेजर्ट एरिया में कितने सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं यहाँ पे भाई साहब, ओके। सो अभी अपन एक फार्म वाले एरिया पे जा रहे हैं, आई थिंक फार्म वाले एरिया पे मैं नहीं आया, आए लग गया, बच गया। यहाँ से मैं पंपकिन निकाल सकता हूँ क्या, आई वांट टू ट्राई एक बार इसको, देखो भाई ज़ॉम्बीज़ को गाड़ी की आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन मेरी आवाज़ आ जाएगी इनको भी, ओके। पंपकिन निकाल सकता है, लेकिन सीड्स निकाल सकता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। और एक सेकंड, किस चीज़ का सीड है भाई, ये पोटैटो सीड है, रियली ब्रो, एक सेकंड जल्दी उठा। एंड तुम लोगों ना कहीं इसमें दिखाता हूँ हमारा डैमेज वगैरह बढ़ गया है, जब मैंने थोड़े बहुत पॉइंट्स लगाए थे, ये देखो एक ही हेडशॉट में जाते हैं भाई ये लोग अभी, ये देखो देख रहे हो हेडशॉट में, रुक जाओ, ये देखो भाई, ए भाई हेडशॉट ही हेडशॉट दो और ये यूँ मरेंगे भाई अब तो, देखो वेरी नाइस, असल ये ले फाड़ दूंगा पूरा का पूरा। पर कोई फ़ायदा नहीं इनको मारने का यार, ये वापस रिस्पॉन हो जाते हैं, लाइक ये है कि इनसे ना लूट मिल जाती है मेरे को, विच इज़ रियली नाइस, जो कि अपने को चाहिए होती है इस गेम के अंदर, बट मतलब क्या सेम चीज़ करते रहोगे बार बार। ओके तो अपन फार्म में आ चुके हैं गाइस अभी, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे तो कोई गाड़ी तो नहीं है इस जगह पे, वैसे गाड़ी है क्या मैप में दिखाई हुई है कोई गाड़ी, कहाँ हूँ मैं, ओह यहाँ पे गाड़ी है, एक बार देख लेते हैं कौन सी वाली गाड़ी है भाई यहाँ पर मैप में, अगर मैं देखूँ दो ज़रा यहाँ पर मार्क कर लेते हैं अगर मैं, सो यहीं कहीं पर दिखा रहा है ये, यहाँ पर कोई गाड़ी तो है, लेकिन पिकअप ट्रक है भाई, ये तो कोई पिकअप ट्रक सा कोई काम नहीं अपने को, पिकअप ट्रक स्लो होते हैं भाई वैसे भी, ठीक है, तो मैं तो नहीं जा रहा इसके पास में। ओके तो फार्म में कुछ खास लूट नहीं है, डेथ वैली भाई ये कुछ खतरनाक सी जगह लग रही है, जरा एक बार यहाँ चलकर आते हैं, जहाँ पे आर्मी वाले ऑफिसर्स होते हैं ना भाई इसके अंदर, भाई बहुत खतरनाक जगह है वो, मतलब आर्मी वाले तो नहीं, आई थिंक वो लोग ना लाइक सर्वाइवर्स हैं हमारी तरह, वो भी तो वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं भाई, उनके पास सारी गन्स वगैरह होती है सब कुछ, लिटरली भाई मिलिट्री वाले आइटम्स होते हैं सारे के सारे उनके पास। अरे 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 भाई भाई ये मेरी गाड़ी तो ऐसे ख़राब हो जाएगी पूरी की पूरी भाई, ये देखो आज साल ये लो उड़ाते हुए जाऊँगा भाई, ये गाड़ी फास्ट करने के बाद ज़्यादा ही वो हो गई अजीब सी, रुक जा, यहाँ से जाएंगे अपन, ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे अंदर जा सकते हैं कि नहीं, एक बार स्नाइपर आ गया ना मेरे पास फिर तो काम आसान हो जाएगा भाई हमारे पास। एक सेकेंड यहाँ तो है ही नहीं कुछ, यो वॉट भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं, डेथ वैली इस जगह पर नाम तो दिया हुआ है लेकिन कुछ है नहीं इस जगह पर, ऐसा क्यों,
ज़ॉम्बीज भी तो नहीं दिख रहे, लेकिन यहाँ पे भाई देयर इज नो वन, भाई कोई नहीं इधर। तो यहाँ पे इसका नाम इस तरह से क्यों दिया हुआ, जैसे बहुत खतरनाक जगह हो भाई ये। आई थिंक कुछ ना कुछ तो है भाई यहाँ पे, तभी तो भाई दिया है ना कुछ ऐसे वैसे। ओ ओ ओ, आराम से आराम से। बट यहाँ पे कुछ है नहीं वैसे देखा जाए तो, यहाँ सिर्फ ज़ॉम्बीज ही है मेरे सामने तो। लेट मी चेक, थोड़ा सा घूम फिर के देखते हैं। आए हाय, ओहो मेरी गाड़ी भाई जो छलांगे मार रही है। आई थिंक यहाँ पे खतरनाक वाले ज़ॉम्बीज हैं मे बी। ये देख रही हो जो गोलम अपने कल देखा था, ओ भाई उसको कुछ हुआ नहीं। रुक जाओ, लेट गिव द ट्राई अगेन। ओके मार दिया इसको तो मैंने, ये ले बेल्ट है। लेकिन साले ये क्या सीन था भाई, उससे मेरे को स्नाइपर पार्ट्स मिले। अच्छा आई थिंक शायद से ना यहाँ पे जो खतरनाक वाले ज़ॉम्बीज है ना, इनको मार के मेरे को बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल सकती हैं। तो एक काम करते हैं, ज़रा रुको ट्राई करते हैं एक और को मार के देखते हैं कि क्या पता कुछ काम का सामान मिलता है कि नहीं। अगर बेकार सामान मिलेगा तो मैं चले जाऊँगा, लेकिन अगर कुछ काम का सामान मिला तो अपन ज़रूर से लड़ाई करेंगे इनसे, ठीक है। वो तो अकेला ही था क्या यहाँ पे, और भी तो होने चाहिए। चलो मैं सही जगह पर हूँ ना, अबे लॉल में दूसरी जगह आ गया, रुक जाओ उस वाली जगह पर चलते जहाँ मैंने मार्क करा हुआ है। ओके यहाँ पे मेरे को दो और मिल चुके हैं, एंड वेट अ मिनट ज़रा। जो ये गाड़ी से तो इनको फ़र्क पड़ता नहीं वैसे, बट लेट्स ओके एक तो गया, रुक जाओ देखने दो उसके पास क्या है लूटने का भाई। नहीं जूते वूते मिल रहे हैं यार, जूते वूते थोड़ी चाहिए। रुक जाओ फायर एरोज़ का है मेरी, फायर एरो लगा दो ज़रा इसमें मेरे को। हाँ भाई क्या हो गया है, क्या करना चाह रहा है तू, आ जा। इतना कुछ खतरनाक नहीं है भाई ये। अबे नहीं बे, बहुत गोलियां लग रही है, लास्ट टाइम मैंने उसको गाड़ी से ठोका था शायद से, इस वजह से कुछ हुआ नहीं था भाई। इसमें मेरे को हैमर मिला है बे $50 का, लेकिन क्या फ़ायदा भाई इसका। एक बार रुक जाओ ये वाली गन यूज़ करके देखते हैं। भाई अंधेरा हो गया यार, ये देखो क्या ही फाड़ दिया भाई ये वाली गन भी। चलो भाई लाइट डाउन करते हैं, एंड अभी टाइम आ चुका है अपने को दूसरी जगह जाने का। सो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, जरा यहाँ चल कर आते हैं अभी। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया और मेरी गाड़ी को क्या हो रहा है भाई, ये कहीं भी वो ठुकती और उछलने लग जाती है। और राइट सो अभी अपन यहाँ पे भी आ चुके हैं गाइस, काफ़ी क्लोज है इस जगह आगे। ओके तो यहाँ पे ओ माय गॉड, रुको यहाँ पे इनका कैंप है पूरा। क्या चाहिए वे साले, क्या चाहिए बोल। अरे वो पीछे से मारे जा रहा है भाई, वो भाई इसको कितने एक्यूरेटली गोलियाँ लग रही है वे। रुक जाओ सामान तो मिला है इससे मेरे को वैसे, एमो भी मिल गई थोड़ी बहुत, यहाँ पे थोड़ा बहुत लूट भी है देख रहे थे। भाई कितने सारे लोग हैं यहाँ देख रहे हो, आई एम श्योर इन लोगों ने एक गाड़ी छुपा रखी है अंदर। रुक जाओ गाइस, मे बी कुछ ना कुछ बढ़िया सी गाड़ी हो, और मेरे को यहाँ शॉटगन के पार्ट्स मिले हैं, ठीक है। रुक जाओ लेट्स सी ये फायर वाले एरो काम करती है कि नहीं, ठीक है डिड वर्क। ये ले और ये ले, सबको जला दिया भाई मैंने। क्या ज़ॉम्बीज बन गए क्या भाई, कैसे आ रहे हैं ये। लोल भाई, अरे भाई साहब एमो वगैरह तो मिल रही है इनसे वैसे मेरे को काफ़ी सारी। यहाँ पे ना अलग तरह के जानवर भी होते हैं, पता नहीं शायद सुअर है कि क्या है वो, पर कुछ तो है वहाँ पे। रुको जरा अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, पहले ना गाड़ी को रिपेयर वगैरह करना चाहूँगा मैं, और तेल भी भरना चाहूँगा क्योंकि भाई कुछ भी नहीं है अभी। रुक जाओ जरा पहले गैस कैन निकाल लेता हूँ, कार रिपेयर किट फटाफट से ठीक करते हैं भाई इसको अपन। ऑलराइट रिपेयर कर दिया है और सारी चीज़ें हो चुकी है, मेरे पास हीलिंग पड़ी है। यार हीलिंग तो मैं लेकर नहीं आया, लास्ट एक किट पड़ी हुई है मेरे पास, इसको यूज़ कर लेता हूँ, देखते हैं कुछ ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं वैसे इन्हों, बट कोई नहीं चलो अभी चलते हैं अंदर गाइस। फाइनली अपन एक रिस्क लेने वाले हैं, एंड आई थिंक जो कि मुझे नहीं करना चाहिए मैं वही करने वाला हूँ अभी। एक सेकंड रुकिए, जो जानवर है, ओह सॉरी गलती से गाड़ी चढ़ा दी मैंने, बट कोई बात नहीं चौके। क्या ये, अच्छा भेड़िया है भाई ये। ओ भाई साहब इससे खाना मिला है, ठीक है। खाने का तो ऐसा कोई सीन नहीं है क्योंकि सीन तो रुक जाओ सीन तो अभी अंदर होएगा। मेरे को जान नहीं है कौन सी गाड़ी है भाई, उसके बाद मैं मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उसके बाद। यार गाड़ी किस साइड छुपा रखी है भाई इन लोगों ने, मेरे को अपनी गाड़ी लेके जानी चाहिए कि अंदर, मैं सोच रहा हूँ अभी। मेरे को ये रिस्क तो नहीं लेना चाहिए था वैसे, बट अबे अंदर कुछ है भी नहीं है भाई, अटक गया मैं। ओए रुक जाओ अंदर कुछ लग नहीं रहा भाई मेरे को, आई थॉट कोई गाड़ी वाड़ी होगी बट कुछ भी नहीं लग रहा है मेरे को अंदर तो। रुको यहाँ से साइड से जा सकता हूँ ना, मेरे को आराम से छुप छुप के जाऊँगा। हाँ गाड़ी दिख गई रुको तुम्हें तो पता है भाई तुम्हारा भाई कुछ नहीं करेगा, तुम्हारा भाई सीधा बैठेगा गाड़ी में। ओह माय गुडनेस ब्रो दिस कार इज, भाई ये कार फास्ट तो है, अरे भाई फास्ट तो है। रुक जाओ उसकी स्पीड टेस्टिंग भी कर लेते हैं साथ साथ में। भाई तेज भाग रही है क्या उससे ज़्यादा, ये कंट्रोल नहीं हो रही। लेकिन हम क्या करने हैं गाइस, गाड़ियों की स्पीड टेस्ट करने हैं, ठीक है। इसकी स्पीड जा रही है भाई 110, ठीक है 111, 12, ओके। मतलब ये गाड़ी उस गाड़ी से फास्ट है भाई, इसको अगर मैंने अपग्रेड करा तो भाई खतरनाक हो जाएगी ये गाड़ी भी।
इसको ना साइड में रख देता हूँ कहीं पे, ताकि आराम छुपा के लेके निकल ले, समझ रहे हो? रुक जाओ, बाहर की तरफ रख दूंगा ताकि उनको पता ही ना लगे कि मैंने गाड़ी वाड़ी यहाँ रखी हुई थी। ओ भाई साहब, ये गाड़ी लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है मजाक सट के। चलो यहाँ रोक दी मैंने इस गाड़ी को, मैं निकलता हूँ अभी अपनी गड्डी में। ये मैक्स अपग्रेडेड गाड़ी है भाई, इसकी भी स्पीड टेस्ट करनी है, रुक जाओ जरा। तो यहाँ से अपन जाने वाले हैं अभी, ये कौन सी जगह है भाई, अभी देखते हैं जरा। यहाँ पर चल कर आते हैं, यहाँ पर इन लोगों का कैंप है वैसे, ठीक है। यहाँ पर मेरे को पार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे कुछ चीज़ों के। इसकी स्पीड जा रही है भाई 110, 111, 12, ठीक है भाई, ये ज़्यादा फास्ट है, मैंने अपग्रेड करी हुई है इसलिए है वैसे वो, बट इसीलिए बहुत ज़्यादा फास्ट है भाई। रुक जाओ, अपने को उधर जाने का है अभी। सो आई थिंक ये भी एक तरह से फार्म टाइप का कुछ बना रखा है यहाँ पे। या यहाँ पे भी नॉर्मल सा फार्म है ये, तो यहाँ पे भी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी अपने को, बात सीधी से ऐसी है कुछ, ठीक है भाई। और कुछ नहीं है इस जगह पर, सिर्फ फार्म में एक फार्म हाउस बने हुए हैं और ट्रैक्टर वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो अभी जो है यहाँ पर वैसे गाड़ी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट एक बार देख लेते कौन सी गाड़ी है भाई। ये भी 400 मीटर दूर कहाँ है भाई ये? भाई ये गाड़ी ने दिमाग ख़राब कर दिया मेरा, मजाक सट गया गाइस। ओके आई थिंक यहाँ पे भी सिर्फ पिकअप ट्रक ही मिलने वाला है। ये भाई न्यू इट पिकअप ट्रक है भाई, पिकअप ट्रक नहीं चाहिए यार मेरे को। रुक जाओ, इस रास्ते में और क्या क्या आ रहा है वो देख लेते भाई। सामने दो गाड़ी है भी, रुको देख कर आते हैं यहाँ पे क्या सीन है भाई। लेट्स सी बॉयज, यहाँ पे क्या अपने को कुछ देखने को मिलता है कि नहीं। आराम से चला भाई गाड़ी। ओ भाई ये वाला तो बहुत खतरनाक एरिया लग रहा है भाई, बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं यहाँ पे। हर जगह भाई तो बीच, अबे बीच है ये तो। ओके यहाँ पे एक गाड़ी दिख गई है मेरे को, जो कि है ये तो नॉर्मल सी गाड़ी है, बेकार वाली थी। उसके बाद एक रोड के पास में भी है, लेट मी चेक कुछ बढ़िया सी गाड़ी है कि यहाँ पर। आई थिंक ये, अबे ये वही वाली गाड़ी है जो फास्टेस्ट गाड़ी है, आई थिंक ये भी फास्टेस्ट में ही काउंट होती है मे बी। एक बार बीच का ज़रा नज़ारा देख कर आता कैसा है भाई यहाँ का आखिर। यहाँ पे आयरन मिलता है अपने को, ओके ठीक है भाई। कुछ नहीं है इस जगह पे, खाली पड़ा हुआ है भाई, कुछ तो बना देते बढ़िया से। यहाँ पर घर वर हैं यहाँ पे, ठीक है। हम पता है वैसे गाड़ी के अंदर सही बताऊँ तो सेफ है ज़ॉम्बीज से तो एकदम, खास कर समझ रहे हो। ये तो सामने कुछ घर आने वाले, लेकिन भाई उन घरों में बाद में जाऊँगा, पहले जरा इधर देख कर आ दूँ क्या सीन है। अबे मैप में कुछ तो दिखा रहा था यहाँ पे भाई, हेलो एक सेकंड, यहाँ पे किसी का कैंप वगैरह। ओके ठीक है, बीच जगह पे भाई कैंप बना रखे और बहुत सारे लोग रह रहे हैं भाई यहाँ पे। सॉरी माफ़ कर दो, गलती होगी भाई यहाँ की। मैं भाई आज पूरा घूमने वाला हूँ, मेरे को देखनी है क्या क्या जगह है भाई, ये कैसी से रोड बनाई है भाई यहाँ पे। हेलो, अरे भाई साहब बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन सी जगह है वैसे? ओके इनका कोई एरिया है ये ज़ॉम्बीज वगैरह का, सॉरी माफ़ कर दो गलती से लग गई। और यहाँ पर बगल में ये कौन सी जगह है भाई? अभी फायर डिपार्टमेंट में वापस आ गया मैं है। अच्छा नहीं, ये कोई और फायर डिपार्टमेंट है। ओके बहुत सारे फायर डिपार्टमेंट दिए हुए भाई यहाँ पर। ओके उसके बाद यहाँ पे अपन हिल टाउन में ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है। ये हमारे घर के बगल में था ना? नहीं, हिल टाउन में गई नहीं है शायद। रुको कुछ आकर आते देख कर आते क्या सीन है भाई। हाँ आते आते तो सुबह हो गई, लेकिन गई जी वाली जगह देख रहे तुम कितनी प्यारी है भाई। ये बहुत ही ज़्यादा भयानक एरिया है भाई, एकदम बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं यहाँ। तो गाड़ी से बाहर नहीं निकलो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से भाई। ये पूरा एक टाउन है भाई, वो भी हिल्स के ऊपर बना हुआ, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई देखने में। तुम ये तो एक दिक्कत हो गई है गाइस, यहाँ पे मेरी गाड़ी फंस चुकी है, एंड आई होप यहाँ पे मेरे को गाड़ी मिल जाए जिससे कि मैं उसको टक्कर दे के निकाल सकूँ भाई। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, काफ़ी बढ़िया टाइमिंग थी भाई। चल भाई, मेन गाड़ी है मेरी, उसको नहीं छोड़ सकता यहाँ पर भाई। ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे गाड़ी अटक चुकी है भाई, और ये निकलेगी कि नहीं पता नहीं। अब डैमेज बहुत ले भाई, फुक गई गाड़ी। अबे भाई फुक गई यार, इसको कैसे निकालूं? अरे गाड़ी में बैठ ना भाई, गाड़ी में बैठ जा। अबे बैठ भी नहीं पा रहा मैं। ओए होगी ठीक हो गई अपने आप ही, पता नहीं कैसे। अबे ये क्या सीन है भाई, स्टक हो गई है भाई गाड़ी यहाँ पर, दिक्कत हो गई है मेरे को लग रहा है भाई। मुश्किल है शायद गाड़ी बाहर निकले वापस अभी। ओके तो बॉयज यहाँ पर अभी अपन आ चुके हैं, जजमेंट डे इज हेयर। ओके तो यहाँ पे आई थिंक खतरनाक लोग रह रहे हैं या फिर ज़ॉम्बीज है इस जगह पे। एक सेकंड, कोई कैंप वगैरह है वैसे तो ये वाला। एक सेकंड, कोई नहीं है यहाँ पे। सालों ने इतना खतरनाक बेस बना रखा है यहाँ पे, और कोई रह नहीं रहा भाई, ये कैसी सी बात है। वेट अ मिनट, शायद ऊपर कोई नहीं रह रहा भाई, इस जगह पे कोई रहता ही नहीं है।
मेरे को लगा भाई मैं खतरनाक सी जगह पर आ गया हूँ। कोई ठीक है, कोई बात नहीं। एक सुन, कुछ तो मिला है मेरे को इससे। क्या चीज़ है भाई? कॉर्न फ्लैक्स मिले हैं। ओके, समझ गया जी। भाई कोई फायदा नहीं ऊपर जाने का अभी। अरे कहाँ आ गया हूँ मैं, ये रुक जाओ। अभी यहाँ से भी अपन जाने वाले हैं गाइस, ठीक है। और आगे जहाँ जा रहा हूँ भाई वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया आ चुका है। रुक जाओ जरा, तो पहले इधर चलते हैं, देख कर आते हैं भाई यहाँ पे कौन सी जगह है। भाई ये है, हाय हाय, पेट्रोल पंप भी है भाई यहाँ पे। पूरा एकदम अलग ही टाउन बनाया भाई वाला। यहाँ पे वो खतरनाक वाले ज़ॉम्बी भी है। ओके एंड लेट्स सी, यहाँ पे फार्मिंग वगैरह चल रही थी या फिर कोई फैक्ट्री है यहाँ पे? या कोई फैक्ट्री वाली जगह है। क्या नाम है इसको? कुछ नाम तो दे नहीं रखा इन लोगों ने। ये भी कोई टाउन ही है यहाँ पे देखा जाए तो। एक यहाँ पे ना पोर्ट दिखा रहा है, जरा उस पोर्ट पे चलकर आते हैं। क्या एयरपोर्ट है, क्या सीन है भाई जगह पे? देख कर आते हो भाई, कितनी सारी जगह ऐड करी हुई है वैसे, अलग अलग पूरा एकदम मैप बढ़िया सा बनाया हुआ वैसे। लेट्स सी, देखते हैं इधर क्या मिलेगा भाई अपने को भी। ये पूरा डॉक यार्ड है भाई, यहाँ पे पूरे शिप्स का पोर्ट बनाया हुआ है। अच्छा जी, तो देख ही सकते हो भाई यहाँ पे अपने को कोई नाव मिलेगी। नाव चाहिए मेरे को पानी से तैरते हुए जाने के लिए भाई। कितने सारे ज़ॉम्बी तो देखना, उसको घर के ऊपर कूद रहा है भाई वो। ओके ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है वैसे, पूरा एकदम बढ़िया सा एरिया बनाया हुआ है वैसे देखा जाए तो। अरे ओ ओ, एक सेकंड, आई थिंक मेरी गाड़ी जाएगी नहीं लेकिन यहाँ पर। रुक जाओ, अटक ना जाए भाई प्लीज़ यार, दिक्कत हो जाएगी फिर। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है इस जगह पे भी। चल अबे चल ना। ऑलराइट लेट्स गो बॉयज, अभी वापस चलते हैं भाई यहाँ से भी अपन लोग, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ खास चीज़ें नहीं मिल रही है। यहाँ पे भी सारे सारे सिर्फ ज़ॉम्बीज हैं। यानी ज़ॉम्बीज भी इतने खतरनाक नहीं है पहली बात तो, ठीक है। उसके अलावा भाई देख रहे हो एरिया बहुत सारा बचा हुआ है। ये कौन सी जगह है भाई? ये कुछ खतरनाक एरियाज लग रहे हैं मेरे को। ये देख रहे हो छोटे छोटे आइकन से भाई, सबसे बड़ा आइकन है यहाँ पे। हाँ नहीं, ये वाला भी था सिमिलर है, मतलब दूसरा कैम्प। ओ किसी और का कैम्प का बेस है यहाँ पे, ठीक है, किसी और ने कैम्प बनाया हुआ मतलब ना। ऑल राइट, जरा ना काम करते हैं गाइस, ठीक है। इस पर ना अटैक करने के लिए चलते, रुक जाओ। तुम्हारा भाई आज तुम देखते जाओ, अभी तुम्हारा भाई ना हमला बोलेगा इनके ऊपर। ओके, ये बेस काफ़ी खतरनाक लग रहा है बाहर से देखने में तो। रुक जाओ, नहीं यार बाहर नहीं रोक रहा गाड़ी में ना, ऐसे की तैसे करा भाई। ये लोग अंदर जा रहा हूँ मैं गाड़ी लेके, सालों हमला करूँगा नहीं क्या, ऐसे की तैसे। ये लो खोलो गेट। हाँ भाई क्या करता, ये ले ये ले ये भी ले। कौन आ रहा है बे? हाँ दीदी बताओ क्या हुआ। ये लो भाई साहब, अटैक करने वाला हूँ इन लोगों पे भाई, इसमें हमला बोल दिया मैंने पहले ही। अरे भाई साहब बहुत सामान मिल गया। अरे अरे ठहर जा, डट जा भाई, मार रहा हूँ, रुक जा। अरे अरे भाई बहुत सारे आ गए, जल्दी रिलोड कर बे, उनकी भी गोलियां लगती है भाई। ये लो सबको मार दिया यहाँ पे मैंने, बहुत नाइस, बहुत बढ़िया। अरे 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 भाई साहब गायब हो गया एक, तो लेवल 22 हो चुका है बॉयज। वो कहीं तो गिरा है भाई, वो गायब हो गया। रुक जाओ, इन्वेंट्री फुल हो गई मेरी, बट कोई बात नहीं, इनको मार के चलेंगे। भाई साहब बहुत सारे आ गए। ओ नो 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 नो, हीलिंग 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 चाहिए भाई, हीलिंग चाहिए। रुक जाओ जल्दी हील कर, इनके पास गन्स वगैरह। चलो हीलिंग तो दी हुआ स्नैप लिस्ट। रुक जाओ, और भी है क्या भाई बैठे हुए सारे के सारे? इनके पास गन्स नहीं मिलती यार, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है मेरे को भाई। गन्स देनी चाहिए इन लोग को, पता है क्या? वो कहाँ चला गया, गायब हो गया क्या यहाँ से? रुक जाओ लेट्स सी इसमें क्या निकलेगा भाई। वो देखो दो तीन लोग हो रहे हैं। फाइव क्या मुझे, रुक जाओ। अरे इसको निकालू क्या करूँ मैं, रुक जाओ इसको निकाल देता हूँ, इसको रखता हूँ। ये देखो गाइस, ये वाली गन यूज़ करके दिखाता हूँ भी, ठीक है। ये देखना क्या ये मारती है भाई, ये देखो। ये भी ले। अरे मरा, अबे मर कैसे नहीं रहे भाई इस वाली गन से? रुक जाओ जरा, किल वाले में इसका मिल डैमेज बढ़ा दो, SMG का डैमेज, शॉटगन का डैमेज। अबे यार नहीं, ये देखो इसको देखो, डर गई तेरी आज क्या। ये ले क्या है रे, क्या हुआ जो उनको उनके भी मजे ले दो ऐसे। ये ले अबे कहाँ ले भाई, मेरे से फालतू के पंगे नहीं भाई, मेरे पास ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, इनको ना ऐसे फेल दूंगा मैं। आई थिंक यार इसमें ना होना चाहिए था भाई इनको पूरा को पूरा लाइक एक्वायर करने का भी, एक्वायर करने का नहीं होता इसमें यार, मज़ा आता अगर ऐसा होता तो भाई।
कैंप मेरे को अपना बनाना था भाई, देख रहे हो अभी भी यहाँ पे सिर्फ ये रेड वाले यारों दिखा रहे हैं यहाँ पे। वेल गाइस इस कैंप पे तो अपने हमला बोल दिया है, लेकिन अगर मैं अभी ना दोबारा आऊंगा ना यहाँ पे, अगर चला गया अभी एक बार तो सारे के सारे लोग ना भी वापस आ जाएंगे भाई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है भाई यहाँ की। चलो अभी ना काम करते हैं, एक सेकंड क्या हो रहा है अभी। अच्छा ठीक है, पानी की बोतल जरा वापस रख देते हैं, एंड मेरे पास ना जितना एक्स्ट्रा सामान पड़ा है ना जरा इसको अपन रख देते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा सामान अपन लेके जाने वाले हैं। इससे बड़े थोड़े इन्वेंट्री में सामान जो है इसको निकाल के रख देंगे, ताकि थोड़ा ज़्यादा सामान हमारी इन्वेंट्री में आ जाए और, ठीक है। लेकिन लार्ज बैकपैक है ना मेरे पास, तो कोई अपडेट है क्या? काफ़ी कम स्लॉट्स लग रहे हैं भाई मेरे को। ठीक है चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। एंड ना सोच रहा हूँ ये जो लास्ट एरिया बचा ना, यहाँ देख रहे हो एकदम नॉर्थ माउंटेन्स में भाई, यहाँ चल कर आते हैं भाई, क्या है इस जगह पे देखते हैं। ये हमारा इस वाले के बाद में हमारे बेस पे वापस जाएंगे अपन, ठीक है, हमारा ये लास्ट स्टॉप होने वाला है जहाँ अपन जा रहे हैं अभी फिलहाल। देखते हैं भाई आखिर उस साइड में क्या है ऐसा, एकदम कोने में करा हुआ भाई उस जगह को, वहाँ पे वायरस फैला होगा क्या ये वाला? वैसे आई डोंट थिंक सो। देखते हैं, ये देख रहे हो रास्ता भी नहीं है भाई वहाँ जाने का, ऐसे बनाया हुआ है पूरा, वहाँ पे कच्चा रास्ता है भाई यहाँ पे। ओ भाई यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट बनाया हुआ है इतनी दूर, बताओ यहाँ मतलब कच्चा रास्ता दिया है उसके ऊपर से भाई, अगर कुछ होगा यहाँ कहीं पे अगर कुछ होगा तो कैसे आएंगे भाई लोग यहाँ इधर। ओके वैसे थोड़े बहुत एरिया से बचे हुए हैं तो काम कर रहे हैं, इनको भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं, ठीक है। अगर कर ही रहे हैं ना तो पूरा एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ बचे कहीं नहीं करने को अपने पास। यू आर गेटिंग टायर्ड? अरे ठीक है भाई, क्या फर्क पड़ रहा है, रुक जाओ अभी चल कर आते, देखते हैं भाई कौन कौन सी जगह पर क्या क्या है। ये सेव भी तो नहीं होता यार, कितना कितना एक्सप्लोर कर लिया वो सब कुछ। अभी मैं अगर गेम रिस्टार्ट करूँगा ना सारी प्रोग्रेस चले जाएगी अपनी। भाई साहब यहाँ पर भी कैंप है क्या इनका? नहीं नहीं आई थिंक ज़ॉम्बीज है इसके अंदर तो। या भाई इस जगह पे अटैक हो रखा है, टर्न बैक। ये पुलिस डिपार्टमेंट है भाई, ओके दिस इज रियली बैड। अरे इधर से तो आया था मैं, ये कवर कैसे नहीं हुआ भाई? रुक जाओ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन मार्क्स का क्या काम है भाई, थोड़े बड़े मार्क्स जो है ना इनको चेक कर लेते हैं एक बार जाके, यही काम की चीज़ है। इसके बगल में तो छोटी छोटी जगह होती है वैसे भी। अल बॉयज मेरी गाड़ी से धुआं निकल रहा है, मेरी गाड़ी ठुकेगी तो मेरी गाड़ी भी बंद हो जाएगी यहीं पे, थोड़ा देख के चलाना। अरे नहीं भाई बोल रहा हूँ देख के चलाना है। ओके यहाँ पर लोग रहते हैं भाई, बहुत सारे लोग रहते हैं इस जगह पे, और लिटरली यहाँ पे आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़ॉम्बीज मेरे को लग रहे हैं भाई। ये सबसे बड़ा और भयानक एरिया है भाई यहाँ पे। सिनेमा हॉल तो मैं ऑलरेडी देख कर आ चुका हूँ भाई यहाँ का, ठीक है। यहाँ पर भी एक टाउन है, ओके, पर यार पूरा ज़ॉम्बी से ही भरा हुआ है, कोई फ़ायदा ही नहीं है जाने का वहाँ पे तो। एक सेकंड, यहाँ चलना है, ज़रा मार्क कर दिया मैंने, ये देख सकते हो गाइस, ये है, एक सेकंड, ये है सिनेमा हॉल, तो ये थिएटर वाली जगह है जहाँ पर मैं लास्ट टाइम आया था। बहुत सारे ज़ॉम्बीज है भाई जगह पे, देखो यहाँ पे बर्गर की शॉप बना रखी है, पॉपकॉर्न की शॉप बना रखी है इस जगह पे भाई साहब, काफ़ी बढ़िया जगह बना रखी है भाई। ओह नाइस, नोट सेफ भाई साहब, इस जगह पर भी लिखा हुआ है नोट सेफ, मतलब ये वाली जगह भी सेफ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब इतना बढ़िया एरिया बना रखा है उसके बाद भी कैसे सेफ नहीं है भाई यहाँ पर ये लोग, इतनी बढ़िया फेंसिंग वगैरह करी हुई थी, कैसे ख़राब कर दिया इन लोगों ने एरिया पूरा। अरे चलना रे, कहाँ जाने का है अभी, अपना नेक्स्ट स्टॉप पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। एक सेकंड भाई, यहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो रखा है, ओ भाई साहब। एक सेकंड, यहाँ पर मेरे को पता नहीं कोई नया मेरे को ज़ॉम्बी दिखाता, बट ठीक है भाई। एक सेकंड देखते हैं यहाँ पे कुछ लूट मिलती है कि अपने को बढ़िया सी, लाइक अलग सी जगह है क्योंकि ये वाली अलग सी, यहाँ पे कुछ काम का निकलता है कि नहीं भाई। प्लीज़ ज़ॉम्बीज हमला करने ना आए, क्योंकि मैंने आवाज़ नहीं करी इस जगह पर इतनी ज़्यादा अभी। अबे यार एक्सप्लोजिव एरोज दे रहे हैं ये तो, साले मना कर रहा हूँ इधर आने से, फिर भी आया जा रहे हैं। आ रहे ज़ॉम्बी, आ रहा ज़ॉम्बी, आ रहा, जल्दी 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 जल्दी, अरे भाई जल्दी उठो, ओ चल साड़े। ये देखो जोकर वाले ज़ॉम्बीज हेडफोन पहन कर आ रहा साले, ओके ठीक है। बट यहाँ ओह एक सेकंड, यहाँ पे बहुत सारी लूट है वैसे देखा जाए तो। फर्स्ट एड किट में कुछ है क्या देख लेते हैं भाई, अपने कुछ ये रहती है हेल्थ किट, बैंडेजेस दी हुई हैं, ठीक है। हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ, ओ अबे एक सेकंड भाई, हेलीकॉप्टर भी लूट सकते हैं अपन इसमें, ये तो मेरे को नहीं पता था, जरा देख लेते हैं क्या निकलता है इसके अंदर भाई। ओके स्क्रैप मेटल मिला है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट मिला है भाई, सब ठीक है। एक सेकंड भाई ना जरा गाड़ी रिपेयर कर लेता हूँ भाई, ज़रूरी है करना, चलो ठुक ठुक के जा रहा हूँ भाई मैं इधर उधर। चलो अभी जो है अपना टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का। यहाँ पर एक सेकेंड, अपने यहाँ पे ऑलरेडी, ये तो भाई ये तो गलत ही सीन है भाई, हैं गया भी नहीं मैं वहाँ तक। अरे भाई जाओ ठहर जाओ, अबे यार फिर से नहीं। ओके फाइनली गाइस, एक सेकेंड आराम से जाना है इस जगह से भाई, मैंने दोबारा लोड कर लिया गेम, ठीक है। ये सब इस जगह से आराम से जाना है, यहाँ पर आई थिंक एक हॉस्पिटल है, ये भाई साहब बहुत ही ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल है भाई, यहाँ पर इतनी सारी एम्बुलेंसेस खड़ी है भाई। यहाँ पे पूरा वायरस का आउटब्रेक हो चुका है गाइस, एंड ये देखो हॉस्पिटल का बना दिया स्पाइटल भाई।
यहाँ पर एक चर्च है। ओ भाई साहब, एक सेकंड, चर्च में चलकर है क्या, कुछ है क्या यहाँ पे? एक सेकंड, यहाँ पे लोग, ओ नो, अब चर्च में हमला कर दिया मेरे पे ज़ॉम्बीज ने। क्या चढ़ के आएंगे लोग वैसे? आ जाओ चलो, आ जाओ आ जाओ, हट साले निकल। मैं अपने पीछे भगाता रहूँगा इनको। हट वे, निकलो वे यहाँ से। ये क्या चीज़ है? यहाँ पे एक मोटेल है लेकिन गाड़ी नहीं दे रखी वे, और गाड़ी दी हुई है बेकार सी है लेकिन ये भी। ओके मोटेल वाला एरिया तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एक सेकंड, अरे इतना रे कहाँ गया मैं भी। ओके अपन यहाँ आ चुके हैं। ये देखो मैंने ना, ये देखो अभी गेम रीस्टार्ट करा तो क्वेश्चन मार्क हट गया भाई। मतलब यहाँ पे था अभी, देख कर आया था ऑलरेडी मैं, लेकिन हटा दी इन लोगों ने जगह। बेकार लगता है भाई मेरे को चीज़। यहाँ पर ये क्या चीज़ है? पुलिस डिपार्टमेंट। देखा मैं यहाँ पर भी आया था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन इन लोगों ने क्वेश्चन मार्क के डाले। जैसे मैंने गेम को रीस्टार्ट करा ना तो वो अपने आप ही हट जाता है भाई, सेव ही नहीं होती है प्रोग्रेस भाई वो वाली जो मैंने एक्सप्लोर करा हुआ है उस जगह को। ओके यहाँ पर पूरा कैंप बनाया हुआ है, पर यहाँ पर भी भाई कितने सारे, और हर जगह पे सेम ज़ॉम्बीज़, ये क्या लॉजिक हुआ भाई? ठीक है ओके, तो गाइस अपन ने लगभग हाँ पूरा ही मैप एक्सप्लोर कर लिया वैसे देखा जाए तो। ठीक है अभी ये क्वेश्चन मार्क जो है गायब हो चुके हैं वापस। अभी जरा यहाँ चलते हैं अपन, और यस गाइस अपन अभी वापस बेस पर जाने वाले हैं। देख लेते हैं थोड़े बहुत अगर अपन अपग्रेड्स कर पाते हैं तो कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास सामान पड़ा हुआ है बहुत सारा अभी। ऑलराइट, हियर वी आर एंड लेट्स गो गाइस। अभी अपन वापस पहुँच चुके हैं हमारे बेस पे, एंड यस रुक जा भाई, ठहर जा, डट जा, भाग जा रही है। ऑलराइट चलो अभी जरा मेरे को क्या करने का है ना, पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी हैं, उनको अपग्रेड करेंगे अपन। तो आई थिंक ये वाला मैं कर सकता हूँ जितना मुझे पता है। इसमें वुडन प्लैंक चाहिए और क्लोथ्स चाहिए जो कि मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो यहाँ से क्लोथ्स और अपने को चाहिए भाई प्लैंक और क्लोथ्स। ठीक है तो यहाँ से निकालते सामान, यहाँ चलते हैं और इसको करते हैं अपग्रेड लेवल 2 का। ठीक है तो टेलर वाली जगह अपग्रेड हो चुकी है, लेट्स सी इसमें कुछ नया। तो वैसे कुछ आता नहीं है इसके अंदर, सिर्फ तुम्हें बता देता हूँ, ऑलरेडी तुम्हें पता होगा कि इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ ऐड होती है, और वो जो कि है भाई दो वर्कर यहाँ पे काम कर सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है यहाँ पे दिखाता भी नहीं है ना क्या क्या, सिर्फ ये देख रहे हो एडवांस क्राफ्टमेंट। वो एक सेकेंड, अगर मैं इसको अपग्रेड करता हूँ तो एडवांस क्राफ्टमेंट भी अनलॉक होगी अभी, और वर्कर कैपेसिटी नहीं 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 रुको रुको रुको, सिर्फ वर्कर की कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है यार, ये क्या लॉजिक है भाई? यहाँ पे लंबर यार्ड में भी ब्रिक्स सही है, इसमें सिर्फ वर्कर की कैपेसिटी बढ़ेगी भाई। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी वर्कर की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो भाई फ़ायदा क्या है वैसे वर्कर की कैपेसिटी बढ़ाने का? यहाँ पे वर्कर्स में हायर ही नहीं कर सकता, और ब्रिक्स बनानी है, ब्रिक्स तो मैं बना दूंगा, स्टोन रखे हुए मेरे पास। ओके थोड़ी बहुत ब्रिक्स बना लिए, पहले थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। एंड यस रेस्ट पूरा हो चुका है, वापस रात हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो सबसे पहले ज़रा इसको अपग्रेड कर लेते हैं अपन, एंड थोड़ा बहुत स्क्रैप मेटल चाहिए, ज़रा वो भी निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे, मेरे पास रखा हुआ है काफ़ी सारा सामान, तो स्क्रैप मेटल यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है सारा निकाल लेता हूँ, एंड लेट्स सी यहाँ पे जो है इसमें ये भी कर सकता हूँ। ठीक है भाई लंबर यार्ड इंक्रीज कर दिया, अपग्रेड कर दिया मैंने, तो इसके अंदर अभी देखते हैं क्या क्या होगा। ज्यादा तो कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ देखो स्टोरेज की कैपेसिटी भी आई थिंक, ओ इसकी कैपेसिटी बढ़ी है शायद से, एक स्लॉट बढ़ गया इसमें, लेकिन वुड ही सिर्फ दिखा रहा है यहाँ पर। एंड यहाँ देखिए तो सिर्फ एक और वर्कर का आ गया, लेकिन वर्कर हायर नहीं कर सकता मैं अभी इसमें। ठीक है उसके बाद यहाँ चलते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं अपग्रेड। लेट्स सी हंटिंग लॉज में कुछ चेंज होता है कि नहीं होता भाई, मुझे पता है भाई इसमें भी सिर्फ वो एक ही मीट आएगा, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है इसको अपग्रेड करने का भी। देख रहे हो, ओ नहीं बैरीज पहले से थी तो फ़ायदा नहीं है बैरीज का भी भाई। एक सेकंड, ये क्या चीज़ है? नहीं यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ठीक है अभी क्या होगा, वर्कर की कैपेसिटी ही बढ़ते जा रही है सिर्फ, और कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा इसमें हमारा। ऑल राइट ठीक है, उसके बाद एक बार रुक जाओ ज़रा, यहाँ पे हमारा ये हॉबी स्पेस ना +10 मोरल पर डे, इसका कुछ काम है क्या वैसे? इसको मैं कर सकता हूँ मेरे पास, क्योंकि आई थिंक ये वाला सामान रखा हुआ है थोड़ा बहुत, मैंने बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। एक बार चलते हैं ज़रा, इसको अपग्रेड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आयरन इनगट रखे हुए हैं, इसको निकाल लेते हैं भाई, और लेट्स गो इसको भी अपग्रेड करते हैं भाई लेवल 2 का करके, देखते हैं क्या होता है इसको करने से। तो ये बास्केटबॉल वाला कुछ एरिया ऐड हो रहा है बस, और कुछ तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है एंड आई एम श्योर बास्केटबॉल खेल नहीं सकते हैं, खेल सकते हैं, रुको रुको शायद से खेल सकते हैं क्या? नहीं खेल सकते यार, गजब है भाई। इसके बाद क्या है भाई, सेम ही चीज़ है, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सेम ही चीज़ है। एंड कमांड सेंटर लेवल 2, ओके इसके लिए कमांड सेंटर लेवल 2 चाहिए होता है, वो कि हमारा ऑलरेडी हो रखा है यहाँ पे। ठीक है तो यहाँ चलते हैं, एक बार स्कोर अपग्रेड कर सकता हूँ क्या मैं? +15 स्टॉक कैपेसिटी फॉर ऑल स्टॉक्स। ठीक है इसमें भाई स्टील प्लेट चाहिए, वो नहीं है हमारे पास, आयरन प्लेट्स तो वो भी नहीं है, वेरी नाइस। उसके बाद अपन ने माइनिंग अपग्रेड करने के लिए क्या चाहिए भाई? स्टोन और वुडन प्लैंक चाहिए। ठीक है स्टोन्स तो नहीं है, पर
ये वुडन प्लैंक्स हैं हमारे पास में। ओके तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत सामान लेकर आ चुका हूँ, लेट्स सी इसमें क्या क्या चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं। इसको करते हैं अपग्रेड एंड लेट्स गो। तो माइन लेवल 2 भी कुछ सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत बस अपग्रेड्स हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अपग्रेड्स में यार मेरे को लगा था थोड़ा ना जल्दी जल्दी काम हो जाएगा तो वो वाला सीन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत स्टोन्स जरा मैं लगा देता हूँ यहाँ पर निकलने पे। 20 मिनट ले रही है, टाइम तो यार सेम ही ले रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है सही बताऊँ तो। मैं इसको कर देता हूँ 10 मिनट इसमें लग रहे हैं, इसमें 6 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, अरे वो तो लेकिन एक ही का कर रहा हूँ ना मैं, रुक जाओ तो। बट हाँ एक ये फ़ायदा है कि अपन खुद यहाँ पे खड़े हुए काम कर सकते हैं, बट क्या फ़ायदा भाई, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। यहाँ पर हमारा जनरेटर रूम है, एनर्जी प्रोडक्शन, एडवांस एनर्जी प्रोडक्शन, हाँ कार बैटरी और ये क्या चाहिए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट चाहिए सर, ये लेकर आता। एंड यहाँ पर ना मैंने वाटर का लेवल 2 करा था भाई, देख रहे हो कुछ इस तरह से लगा हुआ आ रहा है अभी यहाँ पे। अब ये बनाएंगे अपन जनरेटर का रूम जो है लेवल 2 का करेंगे गाइस यहाँ पर। एंड काफी सारे जनरेटर्स ऐड हो चुके हैं भाई साहब, नाइस, वेरी नाइस, लेट्स गो। सब कुछ अपग्रेड तो कर दिया लेकिन यहाँ पे कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते अपन। ठीक है, यहाँ अगर देखते हैं तो एडवांस्ड एनर्जी प्रोडक्शन सेम ही हो रहा है लेकिन ये चेंज हो जाएगा पूरा बेस का। ठीक है, लुक चेंज हो जाएगा यहाँ का, अभी लकड़ी का है बाद में स्टील वगैरह का बन जाएगा। रेन कैचर जो है इसको मैं अभी नहीं कर सकता हूँ लेकिन स्टोन, अबे स्टोन चाहिए ब्रिक्स के लिए यार। ठीक है कोई बात नहीं, इसके लिए क्या क्या चाहिए भाई ये भी अपन अपग्रेड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा डिपोर्ट, आई होप इसमें थोड़ा बहुत स्टोरेज का थोड़ा सा बढ़ गया हो भाई प्लीज़। अभी तक थोड़ा सा है देखोगे तो सेम ही लग रहा है मेरे को, बट ओह यहाँ पे स्लॉट्स बढ़ गए बहुत सारे, दैट्स रियली नाइस। स्नाइपर पार्ट, शॉटगन पार्ट्स रख देता हूँ मैं, और यहाँ से कुछ भी नहीं रखना। ठीक है ओके, यहाँ पर लकड़ियाँ ला के रख सकता हूँ मैं, मतलब अपग्रेड करने का थोड़ा सा फ़ायदा तो हो रहा है भाई। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको और अपग्रेड करता हूँ तो 45 का स्टोरेज हो जाएगा जो कि बहुत बढ़िया है भाई। तो लगभग लेवल 2 कर दिया अपन ने सब कुछ। ये हमारा स्लीप रूम है, इसको भी लेवल 2 कर देते हैं, योग्य अभी डॉम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेवल 2 का कर दिया, इसको भी अभी आराम से चिल करके सो पाएंगे भाई यहाँ पर भी। ये अभी बढ़िया वाले बेड लग चुके हैं, यहाँ पर अपन रेस्ट कर सकते हैं अगर अपने को रेस्ट करना है तो। पर इससे टाइम नहीं बीतता, टाइम सेम ही रहता है जो कि मेरे को बहुत ख़राब चीज़ लगती है भाई। टाइम थोड़ा सा लाइक रेस्ट कर रहा हूँ, मेरा खाना पीना जा रहा है, लाइक खाना पानी जा रहा है अगर, तो थोड़ा टाइम भी बढ़ना चाहिए था, थोड़ा रीसेट होना चाहिए था सब कुछ, बट ऐसा नहीं होता है। कोई नहीं, इसको लेवल 2 कर सकता हूँ मैं। इसके लिए अपने को रो हाइड चाहिए है और ब्रिक चाहिए। ठीक है, तो ब्रिक सब भी बनवाता हूँ, रुक जाओ ज़रा। रो हाइड चाहिए ना, रो हाइड मेरे पास है क्या, रखिए भाई रखिए मेरे पास। ओके, और क्या चाहिए है, ब्रिक्स चाहिए और क्लोथ चाहिए, अभी लेकर आ जाता हूँ। सब कुछ ऑलमोस्ट लेवल 2 हो चुका है हमारा, किचन बचा हुआ है ना, रुको किचन भी बचा हुआ है ज़रा। इसके लिए स्टील ब्रेड चाहिए, ज़रा ट्राई करता हूँ अगर एक बन जाती है तो, क्योंकि उसके लिए कुछ अलग ही सामान चाहिए रहता है जितना मुझे पता है। सब कुछ लेवल 2 हो जाएगा फिर अपना यहाँ पर ना। लेट मी चेक ज़रा इसमें क्या चाहिए स्टील ब्रेड बनाने के लिए। स्टील ब्रेड बनाने के लिए स्टील इनगट चाहिए और आयरन ओर तो हमारे पास है वैसे। ठीक है, तो काम करता हूँ ज़रा, स्टील प्लेट कितनी चाहिए थी वैसे, बट रुक जाओ थोड़ा बहुत बना लेता हूँ मैं ज़रा यहाँ पर। ठीक है, 10 बना लेता हूँ, आई होप बना पाऊँ मैं। क्राफ्ट पे रख रहा हूँ लेकिन इसके लिए सामान चाहिए है आयरन और, अबे लेकिन एक सेकंड, पहले आई थिंक मेरे को आयरन इंगट बनाना पड़ेगा ना, लेकिन नहीं। ओके, स्क्रैप मेटल ही चाहिए इसके लिए अपने को। ठीक है समझ गया, तो स्क्रैप मेटल मेरे को रखना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ा बहुत रख देता हूँ। ठीक है, और एक सेकंड सॉरी गलती हो गई मेरे से ज़रा, ये बनाना ना पहले अपने को, जरा अपन 10 बना लेते हैं पहले, ये 50 सेकंड लगेंगे। बट आई होप मेरे पास सारा सामान हो गया हो भाई, एक बार जरा स्क्रैप मेटल भी निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा मेरे पे बचा हुआ है। बट आई होप अभी जो अपन यहाँ पे किचन वगैरह भी बना पाए भाई, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए था एक बार देख लेता हूँ। कपड़े चाहिए हैं और वुडन प्लैंक चाहिए। ओके तो भाई यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ सारा सामान एंड इसको करते हैं अपग्रेड। किचन लेवल 2 भी यहाँ पर हमारा हो चुका है जो कि भाई पूरा लकड़ी का बन चुका है अभी। पहले ओपन एरिया था लेकिन अभी सब कुछ जो है यहाँ पे मस्त बनते जा रहा है। और ओके, इसका स्पेस भी इंक्रीज हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे अपन जो है देख सकते हो, कुछ नई रेसिपीज अनलॉक हुई है शायद से। पहले यहाँ पे सिर्फ कुक्ड चिकन तक था, सूप ऑमलेट वगैरह अनलॉक हुआ भाई साहब। ओह नाइस, मैं आई थिंक फिश वगैरह करने भी जा सकता हूँ या फिर फिश वगैरह सिर्फ मेरे को ऐसी मिलती है। खरीद के लेकर आनी पड़ेगी मेरे को ये। ठीक है, एंड अभी चलते हैं गाइस एंड लास्ट जगह बची है हमारी जो कि अपने को लेवल 2 करनी है, जो कि हमारा मेडिकल सेंटर। इसके लिए ब्रिक्स चाहिए, तो ब्रिक्स अपने को बनाने के लिए स्टोन चाहिए रहेगा एंड स्टोन के लिए मेरे को जरा थोड़ा सा इधर उधर भागना पड़ेगा। रुक जाओ गाइस, स्टोन ढूंढते काफी ज्यादा रात हो गई है और यस अभी मेरे को इसको ब्रिक में भी कन्वर्ट करना है भाई। देख लेता हूँ कितने हो गए मेरे पास, स्टोन हो चुके हैं 32। ठीक है, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को ब्रिक में, उसके बाद में अपन सारी चीज़ें कर पाएंगे बाकी की। तो यहाँ चलते हैं एंड इसको मैं जो है थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेता हूँ जरा भाई, जितनी बन जाए बना लेते हैं। ओके तो बॉयज फाइनली हमारे पास लास्ट चीज़ भी आ चुकी है एंड यहाँ पर अभी अपन इसको करने वाले हैं अपग्रेड एंड लेट्स गो। मेडिकल सेंटर भी हो चुका है हमारे यहाँ पर लेवल 2 का और भाई सब देख रहे हो पूरा एकदम मस्त बिल्डिंग बनते जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट वाले अपग्रेड में क्या होगा ये देख रहे हो, यहाँ पे आयरन का कुछ बन रहा है। एक सेकंड, इसको लेवल 3 कर सकता हूँ भाई।
लेट्स गो मेडिकल सेंटर भाई, लकड़ी से बन गया हमारा एकदम तगड़ा वाला है, क्रेजी वे। और लेवल 3 मैक्स होता है भाई। ओके ठीक है, यहाँ पे अगर देखिए तो बैंडेज, एंटीसेप्टिक बैंडेज, ओके ठीक है, सब कुछ सेम है। एंड इधर कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ बेड वगैरह आ चुके हैं। और ये हमारा मेडिकल भाई, इसमें यार इतने स्पेस क्यों नहीं देते हैं लोग, अभी कम स्पेस दी हुई है। इसको कर सकता हूँ अपग्रेड में भी, कमांड सेंटर लेवल 3 चाहिए बाकी सारी चीजों के लिए गाइस। इसके लिए भी वेल गाइस, यहाँ पर अपन ने सब कुछ लेवल 2 का कर दिया है। एंड हमारा जो फार्म है ये भी अगर लेवल 2 का हो जाता तो इसमें क्या है, वैसे फूड स्टॉक की कैपेसिटी बढ़ेगी, 2 वर्कर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और इंक्रीज फार्मिंग स्पेस। ये कुछ काम करनी है भाई, इसको तो मैं वैसे भी यूज नहीं करता क्योंकि खाना पीना तो हमारे पास ऑलरेडी जुगाड़ बैठ चुका है हर चीज का। तो यहाँ पे अपना सब कुछ लेवल 2 हो चुका है, ये लेवल 3 हो चुका है। ये लेवल 3 में कैसा लगेगा वो भाई साहब, देख रहे हो लॉकर वगैरह आ जाएंगे यहाँ पे, ये आयरन प्लेट बनेगी यहाँ पर, ब्रिक्स वगैरह चाहिए, स्टोन का थोड़ा पंगा बैठेगा मतलब इस जगह पे। ठीक है भागी, आई थिंक अपन ने काफ़ी तगड़ा अपग्रेड आज कर दिया है गाइज यहाँ पर। एंड कमांड सेंटर लेवल मैक्स करना है बट वो कुछ ज़्यादा चीज़ें मांग रहा है, एक बार देख लेता हूँ कमांड सेंटर क्या क्या चीज़ें मांग रहा है। अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं बना दूंगा, नहीं हो पाया तो फिर अपन यहीं तक रखेंगे हमारे इसको। ठीक है तो चलो अभी जरा यहाँ देख लेते हैं, ये कुछ इस तरह का चेंज होगा पूरा। और स्टील प्लेट चाहिए, स्टोन प्लैंक भाई, काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें मांग रहा है ये, जो कि हमारे पास नहीं है। ठीक है सो अपने को यस गाइज इतने रखने वाले हैं इसको अपन। एंड आई थिंक काफ़ी बढ़िया अपग्रेड्स वगैरह कर दिया है। एंड फिलहाल के लिए हमारा लास्ट एपिसोड होगा ये गेम का, अब कभी मन करेगा इस गेम को खेलने का तो अपन खेल लेंगे, बाकी नहीं तो ये हमारा लास्ट एपिसोड है। सो यस यहाँ पर तगड़ा अपग्रेड कर दिया है सब कुछ अपन ने, बहुत बढ़िया। एंड गाड़ी की हालत खराब हो चुकी है, गाड़ी भी बढ़िया अपग्रेड कर दिया वैसे भाई। ठीक है चलो गाइज आज के एपिसोड को बस इतना रखते हैं, आई रियली होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। अगर मजा आता नहीं चला बटन दबा देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।